नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, यहां जो मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इसे बंगाली में बकाश कहते हैं, हिंदी में अडूसा आरूस नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में मालाबार नट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पत्ते आप देख रहे होंगे कितने लंबे लंबे और खूबसूरत से हैं। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट भी बनते हैं। लेकिन इस प्लांट का महत्व सबसे ज़्यादा आपको मेडिसिनल यूज इसका है। तो इसमें दो तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, एक श्वेत यानी वाइट और दूसरी कृष्णा जो ब्लैक। इसके सीड्स भी होते हैं, सीड्स से भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन मुझे इसके ग्रो के बारे में आज चर्चा नहीं करनी है आपसे, केवल इसके मेडिसिनल यूज का मुझे चर्चा करना है कि इसके कितने सारे गुण हैं, मेडिसिनल यूज इसका क्या क्या है। ढेर सारे मेडिसिन में, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यहाँ तक कि एलोपैथी मेडिसिन में भी इस प्लांट के उपयोग होते हैं। इसके सारे पार्ट, या वो लीफ हो या इसके फ्लावर्स, अभी इसमें है नहीं, लेकिन इसके फ्लावर्स भी जो आते हैं, वो फ्लावर्स हो, सीड्स हो या इसके रूट हो, सबका मेडिसिन में कुछ ना कुछ उपयोग है। तो क्या क्या इसका यूज है, इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से यूज किया है। इस बार ठंड में काफ़ी परेशानी बढ़ गई थी, काफ़ी कफ वगैरह हो गए थे, तो मैंने इसका यूज किया है और मुझे इससे काफ़ी आराम मिला। एक तो गला थ्रोट आपका अगर फंस जाता है, आवाज़ रुक जाती है, तो उसमें इससे गार्गलिंग करनी है। अगर आपको कफ हो गया है, सर्दी खांसी कोल्ड है, तो इसको पानी में डालकर, इसके पत्ते को पानी में आप डालकर खौलाओ, पानी जब आधी बच जाए तब उसका उपयोग करो। ये यूज मैंने इसमें किया है। लेकिन जब मैं इसके बारे में पता करने चली तो मुझे इसके बहुत सारे फायदे नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें मुझे कहना ये है कि ये जो है आपका बहुत ही पावरफुल प्लांट है, हर्ब है। कफ पित्त को ये आपका बैलेंस करता है, और जो भी आयुर्वेद के थोड़े से जानकार होंगे उन्हें ये पता होगा कि हमारी सारी बीमारी का जड़ एक कफ और पित्त ही है। ये दोनों में से बढ़ते घटते हैं और इसी से हमारे पास तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो ये कफ और पित्त को बैलेंस करता है, इसका जूस आप बना के पी सकते हो। लेकिन इसमें परेशानी आपको क्या होगी कि इसका स्वाद बहुत कड़वा है, ये बीटर है, ये परेशानी आपको आएगी। इसके स्वाद आपको कड़वे लगेंगे, ये तो परेशानी है। लेकिन अगर बीमारी से छुटकारा पाना है तो कड़वी दवा भी लेनी ही पड़ती है। और साथ ही में मुझे जो पता लगा है उसमें मैं आपसे चर्चा कर लूं कि ये पेशाब में यानी यूरिनेशन में अगर आपको परेशानी है तो उसको भी ये दूर करता है। बुखार, अस्थमा, जो बहुत ही पुराना कफ जमा होकर के अस्थमा हो जाता है, बन जाता है, उसमें भी ये फायदेमंद होता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो उसको भी ये लगाने से, इसके पत्ते को आप पीस करके यूज करोगे तो आपको फायदे पहुँचेंगे, या पानी में इसके पत्ते को उबाल कर उससे आप घाव, जो पुराना से पुराना घाव हो, उसको आप साफ कर सकते हो। वोमिटिंग अगर किसी को हो रहा हो तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो। प्यास अगर ज़्यादा लग रही है, अकारण बहुत प्यास लगने शुरू हो जाए तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। जॉन्डिस, लीवर के लिए तो ये रामबान है, जॉन्डिस के लिए ये काफ़ी फायदेमंद प्लांट है आपका।
लेकिन इसमें आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने हैं। प्रिकॉशन में आपको यही रखने हैं कि एक साल से छोटे बच्चे को आप इसका उपयोग ना करवाएं। गर्भवती महिला या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो वे इसका यूज ना करें। साथ ही मेरी तरफ से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आपको अगर इसका यूज करना हो तो आप थोड़ी और जानकारी ले लें इसके बारे में इंटरनेट वगैरह से, इसके बाद आप इसका यूज करें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अंदर आपको लेनी है तो आपको उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी लेनी है। मान लो मैं कहती हूँ 1 ग्राम से 3 ग्राम तक आप इसके सूखे पत्ते का पाउडर बनाकर यूज कर सकते हो, तो आपके लिए कितनी मात्रा उचित होगी ये तो आपको पता कर ही लेने होंगे। आपको 1 करने हैं 1 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम, तो इस तरह से आपको 1 से 3 तक इसकी यूज की जा सकती है। साउथ इंडिया में इसके सूखे पत्ते का पाउडर बनाकर बहुत उपयोग होता है। अगर आपका गला फंसा हुआ है तो गार्गलिंग इससे करें। पत्ते को पीसकर जॉइंट पर, अक्सर जॉइंट पेन की शिकायत आपको देखने में मिलती होगी, जॉइंट पेन जहाँ हो रहा है वहाँ पर पट्टी बांधने से दर्द में आराम होता है। साथ ही दोस्तों ये कैंसर यानी अल्सर यानी पेट का जो आंतरिक बीमारी है, अल्सर टाइप की जिसमें ब्लीडिंग होती है, या इनसाइड ब्लीडिंग हो या आउटसाइड ब्लीडिंग हो, दोनों में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हो। और जानकारी लेकर मैं आज इसी बकाश के प्लांट के साथ जो इतना बड़ा हो गया है, आप देख ही रहे हो, मुझे थोड़े से इसको छांटने पड़ेंगे, नहीं तो मैंने इसे गमले में लगाए हुए हैं, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होता है। आज आप सबों से विदा ले रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी इसका की आवश्यकता न पड़े, फिर भी जानकारी रहे अच्छी बात है। मैं आप सबों के लिए दुआ मांगते हुए विदा ले रही हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।